ज्यादा है, हाँ जी ब्राइटनेस ज्यादा है। के पास आत्माएं हैं उनका याद प्यार बाप दादा को उसी तरह पहुंच जाता है। तो सच्चे पास आत्माएं को दिल पे याद करती है, दिल की बातें दिलावर को ही देती है, वो है सच्चे दिल वाले। और दिल की बातें औरों के साथ करती है और बाप को झूठा पोता मिल दे देती है, छुपाती है। तो सच्चे हुए या झूठे हुए, कनेक्शन मिलेगा कि कनेक्शन में जंग चढ़ा हुआ है। तो 7-7 सालों में बंद थी, उनको पता कैसे चला कि कराची जा रहा है? कराची में बंद नहीं थी, सिंध हैदराबाद में बंद थी। नहीं, सिंध हैदराबाद से कराची रहेंगी ना। हाँ जी, उनको पता कैसे चला कि कराची जा रहा है? जब अखबारों में निकलता है तो पता तो सबको लग जाता है, घर में बातचीत होती है तो कान में नहीं पड़ती। और जब झगड़ा होता है, खून खराबा होता है दुनिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की अचानक लड़ाई लग गई, बंटवारा होने लगा, तो सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है, अपने शरीर से ज्यादा प्यार होता है या संबंधियों से ज्यादा प्यार होता है? शरीर अपना अपना बचा के भागने की पड़ गई, जो देह के संबंधी थे वो भूल गए और उनको मौका मिल गया भागने का। बाबा, सिख धर्म का नारा है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो बाबा, सिख धर्म के गुरुओं की तो तीन तीन पत्नियां थी बाबा, ऐसा की? वो किस टाइम की बात बता रही हो? सिख धर्म की तत्व प्रधान स्टेज की बात बता रही हो या आज सब धर्म जो विदेशियों से प्रभावित हो गए हैं उन सिखों की बात बताई रही है? प्रभावित हो गए, उनकी बात बता रही हो। अभी तो सभी धर्म तत्व प्रधान हो गए, रावण संप्रदाय से तत्व प्रधानता खत्म हो गई, सब धर्मों में तम प्रधानता का आवरण चल गया, सारी दुनिया विदेशी और विधर्मी बन गई, सब रावण राज्य में आ गए। राम राज्य है ही कहाँ? राम के जो घर परिवार के खास हैं वो ही रावण के चंबे में आ जाते हैं। सिख धर्म की तो बात ही छोड़ो। और शरीर के ये मतलब अपने लौकिकता में अपने से बड़ों के पैर छूना उचित है या अनुचित, क्या कहेंगे? ये शरीर का धर्म है, शरीर धारणा करता है, धारणा आत्मा करती है, यह शरीर धारणा करता है, है? आत्मा धारणा करती है। जब ज्ञान मिला तो आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठ गई कि आत्मा की बुद्धि को किसकी बुद्धि रूपी पांव को स्पर्श करना है? उस
उचित है उनके बाप के पुत्र उसी पांव को स्पर्श करना है, या जो पति तमो प्रधान हो गए हैं उनके बुद्धि रूपी पांव के स्पर्श करना है, है? उसे स्पर्श करेंगे तो संघ के रंग से आप समान बनेंगे, बाप समान बनेंगे, नहीं तो उल्टे निर्णय लेते रहेंगे। इसलिए मुरली में बोला है माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन, क्योंकि मोह में आकर के शादियां कराते रहते हैं। शादी कराने से तो बर्बादी हो जाती है, क्योंकि अंतिम जन्म है, मोह में आकर के उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं, तो बुद्धि मोह अंधकार में डूबी हुई कहे या मोहांधकार से स्वतंत्र कहें, जो खुद ही मोहांधकार में डूबे हुए हैं, जिनके बुद्धि रूपी पांव अंधकार में चल रहे हैं, उनके पांव स्पर्श करने से दूसरों का कल्याण कैसे हो जाएगा? एक बार तक आपने बोला है कि अच्छा के लिए भूमि को फांसी की सजा सुनाने वाले के ऊपर पाप नहीं लगेगा, है ना ही फांसी देने वाले चांडाल के ऊपर दोष आएगा, है परंतु कहते हैं कि कानून अंधा है, है कानून अंधा है, ऐसा लौकिकता में कहा गया है, लौकिकता में कहा गया है, अलौकिकता में तो नहीं कहा गया है। और असली कानून कौन सा है? कानून माने विधि, असली विधि विधाता ब्रह्मा के द्वारा बनाई जाती है या चंचल मन वाले मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है? तो उसके विधान पर चलना ये तो अच्छी बात है, और आज का जो कानून मनुष्यों ने बनाया हुआ है वो मनुष्य तो सब अंधकार में है। जब मनुष्यों का शासन करता ही दशरथ अंधा है, तो यथा राजा तथा सारी प्रजा भी है ही कौरवों का राजी। पांडव तो बहुत थोड़े हैं जिन्होंने पंडा बाप को पहचान रहे। हाँ जी, एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई तो इस परिस्थिति में चांडाल तो निर्दोष है, सजा सुनाने वाला भी निर्दोष है, क्यों चढ़ेगा? उसने तो न्याय के लिए फैसला दिया है कि अन्याय के लिए फैसला दिया है, उसको न्याय करने के लिए पब्लिक ने राजा बनाया, तो उसका फर्ज हो जाता है कि न्याय करे अन्याय न करे। खूनी खून करता है, हत्यारा हत्या करता है, तो उसको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? और वो सजा देने का अधिकारी वो ही हो सकता है जो निमित्त बनाया गया। तुमने आदेश सुनाया, तुमने हत्या की है, इसकी हत्या होनी चाहिए? क्या जो झूठा कर देता है और जो झूठे कानून बनाता है दोष उसका है ना, और झूठे जज नियुक्त करता है,
दोष उनका है जो अंधा कानून बनाते हैं। धृतराष्ट्र अंधा कानून बनाता है, भगवान बाप सोझरा बनाता है। और रुद्र से ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण से देवता और देवता से फरिश्ते बनते, देवता से फरिश्ते बनते, उल्टा है। फरिश्ता माने जिनका फर्श वालों की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो फर्श वालों की दुनिया से रिश्ता न होना माने नष्टो मोहा होना। ये नष्टो मोहा होना सचित में होगा या यहाँ संगम युग में होगा? तो संगम युग में पहले फरिश्ता होते हैं या पहले देवता होते हैं? पहले क्या होंगे? फरिश्ता होंगे, नष्ट मोहा होंगे तो देवता होंगे। यहाँ रिश्ते की बात है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। देवता माने जो देवने वाला हो, लेने की इच्छा न करने वाला हो। हम किसी को प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, ऐसे नहीं ये हमको प्यार नहीं देता है इसलिए हमको हम इसको प्यार नहीं करेंगे, उसको देवता नहीं कहा जाता। और वो देवता जो देने का ही काम करने वाला हो, वो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, कौन सी कोटि का कहा जाएगा? देवता कहा जाएगा, राक्षस कहा जाएगा या मनुष्य कहा जाएगा? देवता ही कहेंगे। तो देवता तो एक जाति हो गई, उस जाति में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। और सीता को है बी माने, बी माने क्या और देही माने क्या है? बी माने आत्मा नहीं, देही माने देह को धारण करने वाली आत्मा, देही। और विदेही माने विशेष रूप से देह को धारण करने वाली आत्मिक स्थिति वाला, उसको कहते हैं राजा जनक। उसकी पुत्री को कहते हैं वैदेही। एक मात्रा बढ़ गई बच्चे के अर्थ में, जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण मात्रा बढ़ गई, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही राजा जनक थे विदेही और उनकी पुत्री का नाम वैदेही। आपने अर्थ नहीं समझा तो सीता को ही विदेही कह दिया, इसलिए गड़बड़ घोटाला हो गया। बाबा, वो कौन सी चीज होगी जिसमें हमको फोटा मिल रहे की जरूरत नहीं? जब फोटा मिल होगा ही नहीं, मन बुद्धि में कुछ खाएगा ही नहीं, पाप अंदर होगा तो मन बुद्धि को पाप खाएगा, जंक लगा हुआ होगा तो जंक काटेगा,
जंक होगा ही नहीं पापों का, तो काटेगा क्या? तो जिसकी आत्मा में पाप का बोझ भरा हुआ है, सच्चाई का पता लगने पर उसका दिल खाएगा जरूर। और जिसका दिल खाता नहीं है, भले सच्चाई का पता लग गया, ज्ञान भी मिल गया, फिर दिल में कोई कचराहट नहीं आती है, साफ दिल हो गया, तो उसे पोता मिल देने की क्या दरकार? वो तो अवस्था बन गई, जब चाहे तब निराकारी बीज रूप स्टेज में टिक जाए, एक सेकंड लगेगा उसको आत्म की स्थिति में स्थित होने के लिए और बाप की याद करने में, इसमें जंक चढ़ी हुई होगी, बेअभिमानी की, पापों की, उसे न आत्म की स्थिति स्थिर होगी और न परमात्मा बाप की याद जल्दी आवेगी, टाइम लग जाएगा। फिर पहले की तरह उनको पुरस्कार क्यों नहीं होता? नहीं है, मतलब पहले की तरह भी हम पहले की तरह ही उनको पुरस्कार करना पड़ेगा जैसे हम पहले जाते थे? पड़ेगा हाँ, मतलब पड़ेगा तो मजबूरी हो गई। नहीं जैसे बाप को जान गए, इसके बाद फिर बाप को बार बार प्रैक्टिस में याद करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को जान तो गए, जानने के बाद फिर संग का रंग लेने की जरूरत नहीं है बुद्धि को? बुद्धि पवित्र हो गई फिर? नहीं जो लोग बाबा, और मन बुद्धि का तो ये हिसाब है कि बाप को याद करने की जरूरत नहीं है, समझो कोई बात नहीं, लेकिन मन बुद्धि कहीं तो लगेगी, बाप नहीं याद आएगा तो कोई दूसरा याद आवेगा तो बहुत अच्छा लगता है क्या? बाप को याद करना मुसीबत है, कब छूट जाए? बाप बड़ा है, बाप का काम बड़ा। बाप कैसे है? अगर बाप बीजारोपण न करे तो बाप है? है बीज को ही बाप कहा जाता है, बीज डालने वाला बीज बोने का काम किया तभी तो बाप हुआ। और बाबा अल्लाह मेहरबान और तो टिड्डा पहलवान, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह मेहरबान और टिड्डा पहलवान, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह क्या? अल्लाह पहलवान और टिड्डा, अल्लाह मेहरबान और टिड्डा पहलवान, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी मुरली में आया? है क्या मुसलमानों का शास्त्र पढ़ लिया क्या? दृष्टि हो या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, दृष्टि तो सब इंद्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। दृष्टि सुधर जाए तो और क्या चाहिए? दृष्टि सुधर जाएगी तो वृत्ति भी सुधर जाएगी। दृष्टि बिगड़ती है, चंचल होती है तो सब इंद्रियां चंचल हो जाती हैं,
और जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है उसकी इंद्रियां भी स्थिर हो जाती हैं। इसलिए गाया हुआ है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और दृष्टि से ही सृष्टि बिगड़ती भी है। जितनी दृष्टि चंचल बनेगी माने अस्थिर बनेगी, द्विविचारी बनेगी, उतनी याद भी द्विविचारी बनेगी और इंद्रियां भी द्विविचारी बनेंगी। जितनी दृष्टि में एक टिक भाव आता जाएगा, जो ऐसे मुरली में बोला है, याद में रहने वाले के नेत्र एक टिक हो जाएंगे, तो दृष्टि एकाग्र हुई, मन बुद्धि भी एकाग्र हो करके एकाग्रता का वाइब्रेशन सृजन करती है। वो ही दृष्टि असली सेवा भी कर सकती है। अगर दृष्टि में ये अभ्यास नहीं हुआ है तो सेवा के बदले क्या होगा, जिस सर्विस होती रहेगी। क्या होता है सियोर नाम, इसीलिए पढ़ा होगा, एक बाप को नहीं देखा होगा सी और अरे ये पता नहीं बाप है कि नहीं है, अरे औरों को देख लो थोड़ा थोड़ा, तो औरों को देखते देखते सारे ही उड़ गए, औरों को देखने लग पड़े और सीहोर में एक दो भी नहीं बचा। हुआ कि नहीं प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ? बिल्कुल है, जब संपन्न हो जाते हैं 100 तो उनको 8 में मिला दिया जाता है। आओ भाई तुम भी आ जाओ। हाँ जी इसलिए 100 कौरव गाए हुए हैं। पहले कौरवों की संख्या ज्यादा थी या पांडवों की संख्या ज्यादा थी? कौरवों की संख्या थी 100 और पांडव तो मुट्ठी भर। सारी दुनिया कौरव संप्रदाय थी, सब कौरवों की तरफदारी करने वाले थे, धृतराष्ट्र के राज्य में थे, अंधे के राज्य में थे। जब युद्ध हुआ सत्य और असत्य का, सत्य माने ज्ञान, असत्य माने अज्ञान, तो एक पार्टी से टूट करके दूसरी पार्टी में ऐड होने लगी। 5 पांडवों से बढ़कर के संख्या कितनी हो गई? 7 अक्षौणी हो गई। कहां सारी दुनिया धृतराष्ट्र संप्रदाय,
और कहा 11 अक्षोणी कौरव बचे और 7 अक्षोणी पांडव हो गए। फिर भी झूठ को फॉलो करने वालों की संख्या ज्यादा होती है या सच्चाई को फॉलो करने वालों की संख्या ज्यादा होती है? तो दुनिया में जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, जब युद्ध का फाइनल फैसला होगा तो भी दुनिया में असत्य को फॉलो करने वाले ढेर के ढेर होंगे जो बाप के घर में जाकर के बैठेंगे लंबे समय तक। और बाकी राज्य में आ गए वो थोड़े होंगे। आप दूसरों की बातें सुनते क्यों है? दूसरा कोई बात कहता है और हम सहज ही उसकी बात मान जाते हैं, इसका मतलब हम उस कैटेगरी में हैं। तो आप अगर आपके बुद्धि में बैठी ही नहीं तो आप कंफर्म क्यों कर रहे हैं, वेरीफाई क्यों करा रहे हैं? आपकी बुद्धि में ये बात पक्की बैठ गई है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बड़ी सभा में हम बाबा से कंफर्म करा लें, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और बाबा हाँ, पांच तत्वों से बना है पर कैसे? कैसे? जो रोज शरीर बनते रहते हैं और रोज शरीर बिगड़ते रहते हैं, माना शरीर छूटते रहते हैं, तो ये पांच तत्व मनुष्य के शरीर में मौजूद हैं। उन शरीरों में जो स्त्री चोला है धरणी का तत्व धारण करने वाला, धरणी में पांच तत्वों का समावेश परसेंटेज में सबसे जास्ती होता है। अग्नि में, वायु में, आकाश आदि में उतना पांच तत्वों का परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन धरणी में पांच और ही तत्व के समावेश जास्ती होता है, इसलिए धरणी को माता कहा गया है। वो माता ही पांच तत्वों का पिंड धारण करती है, जो पिंड बाप के बीज से बनता है। जो बाप का बीज है वो भी पांच तत्वों से बना हुआ है, वो है अति सूक्ष्म शक्तिशाली तत्व, जिसे धारण करने से पृथ्वी रूपी माता भ्रूण तैयार करती है, जिसे निर्जीव पिंड कहा जाता है, उसमें माता का अंश बढ़ता जाता है और पिता का अंश स्वल्प होता जाता है। जब वो पुंड परिपूर्ण हो जाता है, पांच तत्वों का पक्का पुतला बन जाता है, तब उसमें चार पांच महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तब जीवात्मा कहा जाता है। तो ये पांच तत्वों का जो शरीर है
वो बनाने वाला कौन? परमधाम से भी जब आत्मा आती है तो हवा में पिंड तैयार होता है, सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, या पृथ्वी पर स्थूल पिंड होता है उसमें प्रवेश करती है? स्थूल पिंड में प्रवेश करती है। वो पिंड ना अग्नि में है, ना वायु में है, ना आकाश में है, वो पृथ्वी माता ही है जो उसे धारण करती है। इसलिए पांच तत्वों के बहुत में बहुत नजदीक माता का चूल्हा है, माता के रूप में पार्ट बजाने वाली है। इसलिए बोला स्त्री चोला होता है देह अभिमानी, और पुरुष चोला होता है आत्माभिमानी। ये अपेक्षाकृत कहा जाता है, स्त्रियों का देह मान जल्दी खत्म नहीं होता, पुरुष जल्दी निराकारी स्टेज में टिक जाते हैं। स्त्रियों को देह का होना ज्यादा रहता है, परंतु वो देह आत्मा एक जन्म में स्त्री चोला धारण करती है संस्कारों के अनुसार, और पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुसार ही एक जन्म में पुरुष चोला धारण करती है। ज्यादा से ज्यादा दो जन्म स्त्री या दो जन्म के पुरुष वृत्ति के संस्कारों के अनुसार चोला बदल सकता है। बाकी जब जब स्त्री चोला धारण करेगी आत्मा, तो वो पांच तत्वों से ज्यादा नजदीक होकर के रहेगी। इसलिए कोई कहे इसका क्या प्रूफ है, तो प्रूफ यही है कि वो निराकारी बाप स्त्री चोले में आता है और स्त्री चोले के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, या पुरुष चोले में आता है और पुरुष चोले के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होता है। बाबा वसुदेव की दो पत्नियां थी देवकी और रोहिणी, तो बाबा वसुदेव की दो पत्नियां थी देवकी और रोहिणी, तो बाबा वो पार्ट यहाँ पर किसके हैं? एक प्रश्न आया, वसुदेव की दो पत्नियां थी, वसुदेव किसे कहा जाता है और वसुदेव का बच्चा वसुदेव को फॉलो करने वाली आत्मा नंबर वन अभी बताया, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई, तो वसुदेव का बच्चा वासुदेव, ये नाम पड़ गया। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला, ज्ञान की बेहद धन संपत्ति देने वाली आत्मा कौन है? कौन है? अरे शिव बाबा। तो शिव बाबा एक माता का आधार लेता है, एक देहधारी का आधार लेता है, या दो का आधार लेता है? है शास्त्रों में गाया हुआ है, जब सृष्टि रची गई तो दो पत्नियां थी जिनसे सृष्टि का उद्भव हुआ, एक का नाम था
दीपि और एक का नाम था आदिति। यहाँ भी शिव बाप आते हैं। तो कितने आधार लेते हैं मुख्य? एक टेम्परेरी और एक मुकर्रर। एक का नाम ब्रह्मा विख्यात होता है, जो कृष्ण की आत्मा के रूप में संसार में विख्यात हो जाता है, और दूसरे का नाम अंत में प्रत्यक्ष होता है। यादगार है, जब अंत समय आता है, अर्थी ले जाते हैं शमशान घाट में, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो ये सृष्टि का भी जब विनाश काल होता है, आत्माओं का महाप्रयाण का टाइम आता है, तो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होने से पहले सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलते रहते हैं, कभी जन्म कभी मृत्यु। तो दो आत्माएं हैं जो शिव बाप जिनका आधार लेता है, एक हीरो और एक हीरोइन के रूप में। एक है राम की आत्मा और एक है कृष्ण की आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा असुरों को गोद में पालना देने के निमित्त बन जाती है, जो यज्ञ के आदि से ही बन गई। शास्त्रों में भी दिखाया गया है यादगार, ब्रह्मा ने किसको वरदान विशेष दिए हैं? असुरों को विशेष वरदान दिए। तो यज्ञ के आदि से ही जब तक ब्रह्मा का शरीर रहता है, वो आसुरी धर्म की आत्माएं पालना लेती रहती है माँ की गोद में। वो है ही सृष्टि की बड़ी से बड़ी माँ, ब्रह्म माँ। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, बात एक ही। तो वो तो हो गई जगत माता का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा, और दूसरी माता कौन है? भारत माता। वो सिर्फ भारत माता ही है कि साथ में पिता भी है? वो पिता भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि में भी वो विश्व पिता होता है, और जब सृष्टि का अंत आता है तो भी विश्व पिता बन करके ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन चाहे माता हो चाहे पिता के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा हो, दोनों ही आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ ज्योति बिंदु का आधार माने माता साबित हो जाती है। उनका तन विशेष धारण करता है सिर्फ। तो दो माताएं होती हैं, किसकी? जो ज्ञान धन देने वाला वसुदेव है, एक रोहिणी और एक देवकी। कृष्ण देवकी का पुत्र है,
रोहिणी से बलराम होता है और वो कन्या भी जाकर के पलती है जो कंस के हाथ से छूट जाती है। बाबा शिशुपाल की तीसरा नेत्र धारण किया है ना, जो ज्ञान में चलने वाले छोटे छोटे दुदुमुहे शिशु है ना, उन शिशुओं को पालने वाला है, उन शिशुओं में ज्ञान कम होता है इसलिए वो उनको अपने शिकंजे में ले लेता है और उन पर राज्य करता है। दुदमोहे बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपन को समझता है कि मैं ही दुनिया का बड़े से बड़ा शक्तिशाली हूं, भगवान कोई चीज नहीं है, भगवान को भी गालियां देता है। पैदाइश भी ऐसे होती है जैसे विष्णु चतुर्भुज, लेकिन जब असली प्रत्यक्ष होता है, असली भगवान के कनेक्शन में आता है तो वो विष्णु रूप जड़ जाता है, असलियत प्रत्यक्ष हो जाती है, असली विष्णु और नकली विष्णु का भेद खुल जाता है। तो ऐसे नहीं है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण नहीं करता है, धारण तो करता है लेकिन जैसे पूतना छोटे छोटे बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को विषैला दूध पिलाती है या बड़ों को पिलाती है, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को दूध पिलाती है। ऐसे ही वो शिशुपाल भी जो कम ज्ञान वाले बच्चे हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है। है जो मकान पड़ी नहीं है, जिनका मंथन नहीं कर पाती है, जिनका मंथन नहीं कर पाती है, क्या करें? पढ़े लिखे संशय में नहीं आते, पढ़े लिखे हम पता नहीं, वो जाने आप अपनी बात समझते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे रावण बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी था और वो बहुत संशय बुद्धि होता था, लेकिन जो माताएं हैं वो माताएं कितनी भी बुद्धिहीनता का परिचय देने वाली हो फिर भी उनके लिए एक विशेष बात बोली है, जिनको बुद्धि में कुछ भी याद नहीं रहता, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को परिवार में बच्चों की परवरिश और पैदाइश करते करते उनकी सारी बुद्धि और इंद्रियों की शक्ति निचुड़ गई है, उनको बाप तो सबसे ज्यादा याद आता है, ज्ञान बुद्धि में भले नहीं ठहरता, बाप याद आता है या नहीं आता है? बाप याद आता है। तो अगर बाप को ही याद में धारण करे रहे अंत तक तो उसका रिजल्ट बताया है जो बाप की याद में सीखा जाएगा वो हर सब्जेक्ट में आगे चला जाएगा, उसमें ज्ञान भी आ जाएगा। हैं? हाँ, तो वो 63 जन्मों का हिसाब किताब जहाँ जहाँ दूसरों के साथ जोड़ा है बाप को छोड़ करके, वो शूटिंग पीरियड में सामने आवेगा या नहीं आवेगा? नहीं तो माताओं के लिए तो खास भगवान बाप आता है, और खास करके
बांधेली माताओं को जितना याद आता है उतना और कोई को याद नहीं आता है। बूढ़ी माताओं को भी बांधेली माताएं कहेंगे, क्योंकि उनके बच्चों ने उनकी बुद्धि को बांध लिया। बाबा जी बोला कि कृष्ण देवकी के हैं और बलराम रोहिणी के, तो बाबा बलराम भी तो रोहिणी के हैं। बलराम रोहिणी के तो देवकी के थे बाबा। हाँ, तो उन्हें तो कंस के डर से रोहिणी के गर्भ से लाते और देवकी के गर्भ से लाके रोहिणी के गर्भ में लाते हैं। हाँ, बलराम को इसलिए रख दिया कि बलराम को तो शास्त्रों में भगवान नहीं दिखाया है। भगवान दिखाया है नहीं, भगवान किसको दिखाया? कृष्ण को भगवान दिखाया। तो कंस के लिए दुश्मन भगवान है या बलराम है? भगवान दुश्मन है। इसलिए कृष्ण को यमुना क्रॉस कराई जाती है, काली विषय वैतरणी नदी को कृष्ण वाली आत्मा क्रॉस करती है। डूबती नहीं है। बाकी जो सात बच्चे हैं कृष्ण के समान, वो सब कंस के कोसावे में आ जाते हैं। अभी भी यज्ञ में वो सातों नारायण जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको कंस ने कोस के रखा हुआ है। उनकी आत्मा कंस के प्रभाव से प्रभावित हो गई, लेकिन कृष्ण बच जाता है। वो कंस के कंट्रोल में नहीं आने पाता, अपने को सरेंडर नहीं करता, स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। बाबा, मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर कहकर पुकारते हैं। अब बच्ची पूछ रही, पूछ लेंगे। हाँ, मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर कहकर पुकारते हैं। है, अल्लाह तो सुप्रीम सोल शिव है और अकबर कौन है? है, जो मुसलमान है वो जब भगवान को याद करते हैं तो खास क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह का अर्थ मानते हैं सबसे ऊंचा। अब सबसे ऊंचा और सबसे नीचा इस सृष्टि की बात होगी, साकार की बात होगी या निराकार की बात होगी? है, साकार की बात होनी चाहिए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है उस साकार स्वरूप का। संगम युग में भी भगवान आके ज्ञान देता है तो भी वो भरमाए जाते हैं बुद्धि से, और साकार बाप को भूल जाते हैं, जिसमें निराकार बाप प्रत्यक्ष होता है। अंत में जाके जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है, कोई भी धर्म की आत्मा हो, और मानती है कि यही अल्लाह ऊंचे से ऊंचा है। तो उसमें थोड़े समय के संस्कार हुए ऊंचे को समझने के, या लंबे समय के अधिक संस्कार हुए? थोड़े समय के संस्कार पड़ते हैं, और वो अंत समय के संस्कार ही
भक्ति मार्ग के 63 जन्मों में वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा धारण कर लेती है और बोलती है अल्लाह। पहला नाम फिर बोलती है हो अकबर। अक कहा जाता है ऐसा फूल जो बहुत छोटा होता है, जंगली फूल है, कांटों के जंगल का, दुख देने वाले के बीच में पैदाइश होती है। दुख देने वाला जंगल होता है या दुख देने वाला गार्डन होता है, गार्डन फूल के बगीचे को कहा जाता है, जंगल कांटों के जंगल को कहा जाता है, वहां छोटे फूल वाला वो अक पैदाइश होती है। उन छोटे फूल वालों में जिनकी विशेषता है कि बहुत दुर्गंध छोड़ते हैं। अक का फूल क्या छोड़ता है? दुर्गंध छोड़ता है। दुर्गंध माने ग्लानी की गंध। ग्लानी की गंध छोड़ने वाले फूलों में जो श्रेष्ठ बनता है वो कौन है? दुनिया में जितने भी ग्लानी करने वाले धर्म हुए हैं, सच्चाई की ग्लानी करने वाले, सत्य बाप की ग्लानी करने वाले, जो अभी ब्राह्मण की दुनिया में अभी तक हो रहे हैं, बाप की ग्लानी वाचा से भी करते हैं, बाप की ग्लानी कर्मेंद्रियों के कर्मों से भी करते हैं, बाप की ग्लानी गंदे वाइब्रेशन फैलाकर भी करते हैं। ऐसे अकबरों में अव्वल नंबर आत्मा कौन है? है? शुभ है? राम वाली आत्मा गंध छोड़ने वाले, भगवान की सबसे ज्यादा ग्लानी करने वाली राम की आत्मा है। इस्लाम धर्म का जो मुखिया है वो विधर्मी धर्म स्थापन करने वालों में मुख्य है, लेकिन उसका भी बीज कौन है? उसका भी कोई बाप है या नहीं है? उसकी भी कोई अम्मा बाप होता है या नहीं? अरे इस्लाम धर्म का जो इब्राहिम परम धाम से आता है उसका भी कोई माँ बाप होता है या नहीं? वो रचयिता है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है या रचना में ज्यादा ताकत होती है? है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है। तो वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा या आधारभूत आत्मा जो माँ बाप के रूप में द्वापर युग से प्रत्यक्ष होती है, जिनका वो आधार लेता है, वो आत्माएं अभी कहां पल रही है? है? अरे वो इस्लाम धर्म का जन्म देने वाली आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं कहां पल रही हैं? आधार मूर्त बेसिक में पल रही है, नारायण बनने वाली आत्मा सेकंड नारायण, और बाप के रूप में बीज डालने वाली एडवांस में पल रही है। तो वो आत्माएं संगम युग में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पैगंबर साबित हो जाएंगी। अभी वो भगवान की ग्लानी करती हो तो ग्लानी करने का रिजल्ट क्या मिलता है उनको? है? सदगुरु निंदक और न पावे। भले वो आत्माओं की शुरुआत
पैदाइश राजधानी में होती है, पालना भी उन आधार मूर्तों की माउंट आबू में होती है, तो भी भगवान का बाप का जो असली पार्ट है उसकी ग्लानी के निमित्त बनती है। इसलिए जब महामृत्यु का समय महाविनाश होगा उस समय उनको कौन से देश में काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, इस्लामी देशों में जाकर के सेवा करनी पड़ेगी। वहां जाकर के वो इस्लामियों को पैगाम देंगे, उनके पैगंबर बनेंगे बड़े से बड़े। और सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी ही मरेंगे दुनिया में। दुनिया में और धर्म वाले बाद में मरेंगे, लेकिन इस दुनिया में पहले पहले कौन भी धर्मी आए हैं? इस्लामी आए हैं। जो पहले आएंगे वो पहले जाएंगे, वो पहले मरते हैं। ऐसी मार काट की दुनिया में उन बीज रूप और आधार मूर्त आत्माओं को सेवा करनी पड़ेगी भटक भटक के। सद्गुरु निंदक और न पावे। इसलिए वो इस्लाम धर्म की आत्माएं उनको ग्लानी की गंध फैलाने वाले फूलों के बीच में सबसे सेफ मान लेंगी, इसलिए उनका नाम पड़ता है अक वर। वर माना श्रेष्ठ, अक माने गंध फैलाने वाले छोटे छोटे जंगली फूल। अल्लाह को सबसे ऊंचा मानेंगी जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है, और उसके बाद सबसे ऊंचा किसको मानेंगी? उस अकबर को मानेंगे। ये भक्ति मार्ग में उनका नाम अभी तक भी चलता चला आ रहा है। जहां भी मस्जिद में जाएंगे, मुसलमानों का भारत में जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है अजमेर, वहां उर्स में इकट्ठे होंगे, या दुनिया का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है काबा अरब देश, वहां भी इकट्ठे होंगे, तो कौन सा नारा लगा देंगे? अल्लाह हो अकबर। ओम शांति।